करनाल में आज किसान महापंचायत होने जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने करनाल में महापंचायत और जिला सचिवालय के घेराव का ऐलान किया है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने दो टूक कह दिया है कि अब चाहे पानी की बौछार हो या फिर लाठी चले, प्रदर्शन अब करके ही रहे। और इस बीच हरियाणा पुलिस ने एडवाइजरी जारी करके साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में आम जनता को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। करनाल समेत सभी एसपी को निर्देश दे दिए गए हैं कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी हो वो करें। करनाल में धारा 144 लागू करने के साथ साथ इंटरनेट सेवाओं पर भी बैन लगा दिया गया है। प्रदर्शन के मद्देनजर करनाल में सुरक्षा बंदोबस्त भी किए गए हैं। तो किसान महापंचायत के चलते इंटरनेट सेवाएं और बल्क एसएमएस सेवाएं बंद करने का फैसला लिया गया है। करनाल समेत 5 जिलों में इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई है। करनाल के अलावा कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और पानीपत में भी इंटरनेट, डोंगल और बल्क एसएमएस सेवाएं रात 12 बजे तक सस्पेंड कर दी गई हैं। तो यहाँ पर प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं, कहीं पर भी कोई चूक, कोई लापरवाही नहीं रखी गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को होने से टाला जा सके। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से तमाम तैयारियां हैं। यहाँ पर फोर्स की तैनाती भी की गई है, अतिरिक्त सुरक्षा बल की भी तैनाती की गई है। कमरजीत सिंह विर्क हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कमरजीत, आज किसान महापंचायत होने जा रही है, कहीं ना कहीं आज प्रशासन पहले से ज्यादा अलर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि जो 28 अगस्त को देखने को मिला आज कहीं दोबारा से वैसी तस्वीर ना बने, क्या तमाम तैयारियां हैं? अंजलि, देखिए अगर बात करें तो किसानों ने जो किसान संयुक्त मोर्चा के आदेश पर अगर कहीं ना कहीं बात की जाए तो एक महापंचायत जो करनाल के अनाज मंडी में रखी गई है उसको लेकर अगर बात की जाए तो जहां प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किया, अलर्ट किए हुए हैं, तकरीबन 10 से ज्यादा जो एसडीज हैं वो लगे हुए हैं और 400 से ज्यादा के जो अलग अलग जवान वहां पर तैनात हैं, कंपनियां तैनात हैं और केंद्रीय रिजर्व बल को भी यहां पर डिप्यूट कर दिया गया। उसके साथ अगर बात की जाए जो किसानों का जसाफ तौर पर गुरनाम सिंह चुनौनी जनसंयुक्त मोर्चा का साफ तौर पर ऐलान है, हम हर हालत में पंचायत करेंगे, अनाज मंडी में पंचायत करेंगे। और उसके साथ अगर सबसे बड़ी बात है कि पंचायत करने से प्रशासन को कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत तो प्रशासन को यहाँ पर है कि जो उन्होंने जिला सचिवालय के मिनी सेक्रेटरिएट को घेराव की बात की है, उस घेराव को लेकर करनाल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और उन्होंने चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। और अब जैसे देखते हैं सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं और हर जगह पर जिस नाके पे अलग अलग नाके बनाए गए सभी नाकों पर पूरी तरह से सील कर दिया गया। तो पूरी तरह अगर देखा जाए तो प्रशासन का यही भी कहना है कि हम किसी भी सूरत में ये लोग जो घेराव की बात कर रहे हैं उनको घेराव नहीं करने देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो आज का दिन करनाल के लिए काफी चिंताजनक रहेगा, क्योंकि 28 अगस्त को जो घटना घटी थी उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन भी सीख जरूर ले रहा है और हर तरह से मॉनिटरिंग कल की गई थी और तमाम जो अधिकारी हैं, एसपी लेवल के अधिकारी हैं, जहां आईएएस लेवल के अधिकारी हैं, वो इस पर नजर रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज करनाल, पानीपत, कैथल और आसपास के जितने जिले हैं उनका नेट भी देर रात से सस्पेंड कर दिया है। करनाल में तो कल शाम से ही नेट बंद हो गया था, लेकिन इसके साथ अगर बात करी जो नेट बंद कर दिया गया, इससे पहले जो मैसेज था वो कहीं ना कहीं किसानों ने अपने जरिए जरूर पहुंचाया। और इसको लेकर अगर बात की जाए तो ऐसी बातें जरूर सामने आई, चीजें सामने आ रही हैं कि पंजाब से और उत्तर प्रदेश से काफी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं और आसपास के जो जिले के किसान हैं वो भी पहुंच रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन की जो तैयारियां हैं कितना पुख्ता नजर आती है। बिल्कुल कमरजीत, और अगर खासतौर पर बात करें करनाल और इससे सटे हुए जो तमाम क्षेत्र हैं, तमाम इलाके हैं, पिछली बार जो तस्वीरें बनी लगभग सभी रास्तों को किसानों ने ब्लॉक कर दिया था, जाम कर दिया था, आज अगर ऐसी सूरत बनती है तो क्या प्रशासन की ओर से इंतजाम है? आम जनता को दिक्कत ना आए उसे लेकर क्या प्रशासन ने रूट डाइवर्ट करने को लेकर क्या तैयारी की है, क्या इंतजाम किया है? बिल्कुल ज्योति, अगर देखने वाली बात तो यह है कि पिछले दिनों 28 अगस्त को जो हुआ उसको लेकर रोड जाम किया गया था, NH44 वो जाम कर दिया गया, उसके बाद तकरीबन हरियाणा बंद हो गया था। इसको लेकर अगर बात की जाए तो अलग से पहले से ही एडवाइजरी जारी कर दी गया। करनाल के डीसी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की थी उसमें सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया था कि कुरुक्षेत्र से
होते हुए जो कुरुक्षेत्र पिपली है, पिपली से होते हुए सीधे आगे पानीपत जो ट्रैफिक निकलेगी उसके साथ अगर बात करें तो करनाल से थोड़ी कुरुक्षेत्र से ही आगे होते हुए ट्रैफिक जो है गाँव से जो रूरल एरिया का रास्ता है उससे होते हुए पानीपत निकलेगी वाया मोनक और असंध होते हुए निकलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहां से ये ट्रैफिक निकालने की बात करें, अगर कुछ होता है तो ऐसी घटना प्रिय घटना कुछ सामने ना आए, हम भी कहते हैं जी मीडिया भी लगातार ऐसी लोगों से अपील कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात बनती है तो वो तकरीबन जो रस्ते हैं वो गांव के रस्ते हैं वहां पर भी जाम लग सकता है। लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों का ये भी कहना था ज्योति, एक चीज जरूर प्रशासन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट की थी, अगर किसान कहीं पर भी अपना धरना प्रदर्शन करने चाहते हैं तो हमारे से इजाजत नहीं, हम जगह उस जगह को बिल्कुल कमरजीत, तो चाहे आज लाठी बरसे चाहे आंसू गैस की बौछारें हो, किसानों ने भी साफ कह दिया कि हम रुकने वाले नहीं हैं, प्रशासन की भी तमाम तैयारियां। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, पल पल पर नजर आप बनाए रखिएगा। तो किसान महापंचायत आज होने जा रही है करनाल में और इसे लेकर प्रशासन ने भी तमाम तैयारियां की हैं। किसान संगठनों ने कृषि कानून और करनाल लाठीचार्ज समेत कई मुद्दों को लेकर करनाल में आज हल्ला बोल का ऐलान किया है। सरकार बातचीत के जरिए समाधान का भरोसा दे रही है, प्रशासन कानून व्यवस्था भंग ना करने की अपील कर रहा है, लेकिन किसान संगठनों ने दो टूक कह दिया है कि अब पानी की बौछार हो या फिर लाठी का वार, करनाल में प्रदर्शन होकर ही रहेगा। किसान महापंचायत ने बढ़ाई सरकार की टेंशन, मनोहर सरकार पर हमलावर हुआ समूचा विपक्ष, प्रशासन और किसान नेताओं की बैठक रही बेनतीजा, किसानों की हुंकार, प्रशासन कितना तैयार। यूपी के मुजफ्फरनगर के बाद किसानों ने हरियाणा के सीएम सिटी करनाल का रुख कर लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने करनाल में महापंचायत और जिला सचिवालय के घेराव का ऐलान किया है। बीच का रास्ता निकालने के लिए जब प्रशासन और किसान संगठनों की बैठक बेनतीजा रही तो किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने दो टूक कह दिया कि अब चाहे पानी की बौछार हो या लाठियां चलें, प्रदर्शन करके रहेंगे। कोई निर्णय नहीं निकला है, प्रशासन ने डीसी साहब ने और एसपी साहब ने बात के लिए बुलाए थे लेकिन कोई हल नहीं निकला है। और हमने पंचायत की बात किया कि हम पंचायत करेंगे और उसके बाद हमारा सेक्रेटरीट का घेराव का प्रोग्राम है और बात जो है वो कहीं सिरे नहीं चली है, इसलिए प्रशासन जो है वो उन्होंने कहा है कि हम रोकेंगे। हमने कहा कि आप रोकना, हम तो हाथ नहीं उठाएंगे, आप लट हमारे गोली मारे डंडा मारे जो हमने करना है। दोषी अधिकारियों का बचाव करना कोई नैतिकता नहीं है, ना प्रशासन की और ना सरकार की। गलत आदमी गलत ही होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अधिकारी है तो वो कुछ भी गलत करेगा। हमारा कानून कहता है, अगर हमारा कानून कहता है कि सिर में लठ मारना कानून में अधिकार है तो हमें दिखा दें, हम अपनी कंप्लेंट वापस ले लेंगे। इस बीच हरियाणा पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में आम लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। करनाल समेत सभी एसपी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी हो करें। करनाल में धारा 144 लागू करने के साथ साथ इंटरनेट सेवाओं पर भी बैन लगा दिया गया है। इनकी जो कॉल है, इनका जो मांग है कि ये हाईवे जाम करेंगे या सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे, वो प्रशासन किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हाईवे बड़ा क्रिटिकल है, जो लोग मूव करते हैं उनके मूवमेंट को किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार सेक्रेटरीट में भी जो है जरूरतमंद लोग आते हैं, तो कानूनी तौर पे बिल्कुल गलत है कि अगर इसका कोई घेराव करे। प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं, हम किसी भी कीमत पे दोनों चीजें नहीं होने देंगे और इसके लिए चाहे जो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो एक्शन लेना पड़ेगा वो लेंगे। वहीं किसानों के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी भी बढ़ गई है। सरकार लगातार शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन और बातचीत से हल निकालने का मशवरा दे रही है तो विपक्ष करनाल लाठी चार्ज को और कृषि कानून को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। नहीं, मेरा किसान नेताओं से भी कहना है, ऑर्गेनाइजर से भी कहना है कि शांति बरकरार रखने का दायित्व उनके ऊपर भी है। हमने सारे इंतजाम किए लोगों की सुविधा के लिए, कुछ रास्ते डाइवर्ट भी हमने किए और सफिशियंट मात्रा में वहां पर हमने फोर्स भी लगाई है और एडीजीपी लैंड ऑर्डर विर्क को
मैंने आदेश दिए हैं कि वो खुद वहाँ पे रहेंगे और सारी स्थिति को मॉनिटर करेंगे ताकि सारा जो कल का कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण निपट जाए। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, उनकी मांगों का समर्थन है, बाकी कोई राजनीतिक दल उनका नेतृत्व नहीं कर रहा। किसान स्वयं इस बात पर नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी यूनियन कर रहे हैं कि उनकी मांग जो है वो जायज है और उनका हमारी पार्टी समर्थन कर रही है। जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ वो सारा ने वीडियो भी देखा उसके, और उसके आधार पे मैंने कहा था कि इस उस सारे इंसिडेंट्स की व्यक्ति नहीं जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, या तो सिटिंग हाई कोर्ट के जज द्वारा या रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज। कृषि कानून के मुद्दे पर शुरू हुआ आंदोलन खत्म होने के बजाय सियासी चक्रव्यूह में फंसता नजर आ रहा है। एक तरफ सरकार से वार्ता के जरिए समाधान का विकल्प है, तो दूसरी तरफ चुनावी माहौल में किसानों के मुद्दे पर सियासी फसल काटने का। वहीं प्रशासन के सामने किसानों की हुंकार से निपटने की चुनौती भी बढ़ गई है। लेकिन सवाल ये है, क्या किसान महापंचायत से कोई समाधान निकल पाएगा? क्या किसान महापंचायत चुनावी रंग में रंगी हुई होगी? विनोद लांबा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।